भगवान श्री कृष्ण और माँ देवी विंध्यवासिनी के बीच का रिश्ता, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा एवं सौतेली माँ रोहिणी जो बलराम की माँ थी, दोनों ही नाग जनजात की थीं। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई जशोदा पुत्री का नाम एकानंसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। श्रीमद्भागवत में नंदजा देवी कहा गया है, इसीलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थीं। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। श्रीमद्भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था, तथा वहां जशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति जोग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छुटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। कहते हैं कि जोग माया ने जशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय जशोदा गहरी निद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आँख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो कि कृष्ण थे। हालांकि गर्ग पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को जोग माया ने ही बदल कर रोहिणी के गर्भ में पहुँचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ था। बाद में जोग माया ने जशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इन्हीं जोग माया ने श्री कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते थे। श्रीमद्भागवत पुराण में देवी जोग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर उत्तर पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियाँ भी विराजमान हैं। निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान हैं। हालांकि कुछ विद्वान इस 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन 108 शक्तिपीठों में जरूर इनका नाम मिलता है। शिव पुराण के अनुसार माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से ही साधकों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह सूचना अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल यूनिक समाचार को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलें।